नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। बीते दिन बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 478 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 10,683 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 4, औरंगाबाद में 30, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 28, भोजपुर में 13, बक्सर में 1, दरभंगा में 5, गया में 9, गोपालगंज में 29, कैमूर में 12, कटिहार में 2, किशनगंज में 7, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 15, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 52, नालंदा में 41, नवादा में 15, पश्चिम चंपारण में 13, पटना में 125, पूर्वी चंपारण में 3, पूर्णिया में 2, रोहतास में 13, सहरसा में 2, सारण में 4, शेखपुरा में 4, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 10, सुपौल में 3, वैशाली में 23, उत्तर दीनापुर में 1 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार बिहार में कोविड 19 से 7,994 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इससे 78 लोगों की जान जा चुकी है। 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के जारी अटकलों का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर बता दिया है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है, ना कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने किसी भी तरीके से बहाली पर रोक नहीं लगाई है। इसको लेकर के कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी दुविधा में ना रहे, 14 जुलाई तक आराम से आवेदन करे। राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया को निर्धारित समय पूरा करवाएगी। बिहार जल संसाधन विभाग ने सभी लोगों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। जैसे जैसे बारिश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बाढ़ और जल जमाव की संभावना उत्पन्न हो रही है। बाढ़ में सुरक्षा संबंधी कार्यों में जन सहभागिता के लिए बड़ी पहल करते हुए जल संसाधन विभाग में काम करने वाले टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है और साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जिले में बाढ़ या इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लोग 1800345614 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोगों के लिए हेलो WRD मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग ने मांगी विभिन्न राज्यों में जारी तैयारियों की रिपोर्ट। इस साल बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने बीते दिन ऐसे सभी राज्यों से रिपोर्ट की मांग की है जो आगामी समय में विधानसभा चुनाव में उपचुनाव का आयोजन करवाया जाना है, ताकि राज्य के हालात की समीक्षा की जा सके। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर पूछा है कि उनके राज्य में हालात कैसे चल रहे हैं, कोविड 19 की चुनौती के बीच किस तरह के चुनाव की तैयारियां करवाई जा रही है। दरभंगा की ज्योति की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर होगी जारी। कोविड 19 के इस माहौल में गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वहीं अब ज्योति के जीवन पर बनी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसकी रिकॉर्डिंग 25 अगस्त से शुरू होने वाली है। अधिकारियों की माने तो इस फिल्म में ज्योति खुद ही लीड रोल में नजर आने वाली है और उनके पिता के किरदार में बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म की रिकॉर्डिंग गुरुग्राम से दरभंगा तक के रास्ते में की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 5 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 5 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसके तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के 641 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इन सभी पदों पर स्थायी बहाली होगी। मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में 3 मामले अध्यादेश के हैं, शिक्षा विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग के 1, PhD विभाग के 1 और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के 1 मामले की स्वीकृति मिली है, जिसके तहत NCC निदेशालय की तरफ से पदाधिकारी और दलों के भोजन भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है, जिस पर राज्य सरकार ने 93,08,000 के करीब खर्च वहन करने की बात कही है। बिहार में इस बार नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। सावन आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, मगर इस बार बिहार में कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच श्रावणी मेला का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों में ही श्रावणी पूजा करने की अपील की गई है। राज्य सरकार ने सिर्फ 20 जून को श्रावणी मेला के संबंध में कुछ शर्तों के साथ अयोध्या में जल अर्पण कर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। हालांकि अब किसी तरह की छूट श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी। बिहार के 4 जिलों में बाढ़ को लेकर स्थानीय लोगों को किया गया सतर्क। बिहार में मॉनसून के आने से बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी क्रम में बिहार के कई जिलों में इस साल भी बाढ़ आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और खगड़िया में स्थानीय लोगों को सचेत कर दिया गया है। विभाग की माने तो महानंदा, कमला बलान, कोसी और बागमती नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से इन जिलों में बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा है।
पटना एम्स को बनाया जाएगा कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल। पटना एम्स को जल्द ही कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील किया जाना है। यह सिर्फ कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज के लिए समर्पित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में 50 की बजाय 500 बेड अस्पताल में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में एम्स में कोविड-19 के अलावा किसी अन्य इलाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। सासाराम के मंजूर कुंड में बाढ़ में फंसे लालू यादव ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन को दिलाई राजद की सदस्यता। लालू यादव ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन करिश्मा राय को राजद में शामिल किया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में करिश्मा राय ने राजद ज्वाइन किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, करिश्मा विधान चंद्र रॉय की बेटी है। विधान चंद्र रॉय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय के बड़े भाई हैं। ऐसे ही चुनावी साल में लालू ने उनकी बेटी को पार्टी में शामिल कर चंद्रिका राय पर दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रवासियों को हुनरमंद बनाने के लिए सूबे के 32 कृषि विज्ञान केंद्र को सौंपी गई जिम्मेदारी। कोविड-19 के इस माहौल में भारी संख्या में प्रवासियों की आवाजाही देखी गई है, जिसके बाद इन प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट किए जाने का फैसला सुनाया है। कृषि विज्ञान केंद्रों का चयन किया गया है, जहाँ पर इन सभी प्रवासियों का 4 महीने तक प्रशिक्षण करवाया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 4 महीने में 1 कृषि विज्ञान केंद्र में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। मनोज बाजपेयी ने अपने जीवन से जुड़ी कई बातों का किया खुलासा। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अपने अभिनेता करियर से जुड़ी कई सारी बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से बताया कि वो उस वक्त से गुजर चुके हैं जब वो अपनी जान लेने की सोच रहे थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग में जाने का सपना देख लिया था। क्योंकि वो एक्साइटेड थे, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री में फिट होने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी सीखी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मैंने NSA में भी कई बार ट्रेनिंग ली थी, लेकिन 3 बार वहां से रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्ट होने के बाद मैं बिल्कुल हार गया था। मैंने अपनी जान लेने के बारे में तक सोच लिया था, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। बिहार में मॉनसून का असर जोर शोर से देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटे में एक बार फिर से बिहार के अधिकांश जिलों में तेज तूफान आंधी के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे तक मौसम काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसके तहत बिहार के भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, सारण, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, बांदका, रोहतास, कटिहार, पटना, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय और खगड़िया जिले में बारिश होने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार सरकार 641 पदों पर करवाएगी बहाली। इस चुनावी साल में बेरोजगारी की बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 641 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही 3 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति भी मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार ने इसके पहले 11 अगस्त 2015 को सेवा शर्त को लेकर समिति का गठन किया था, जिसको लेकर एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस ऐलान के बाद बिहार की कैबिनेट बैठक के दौरान अब जाकर के ऐलान किया है। अनलॉक के दूसरे चरण में पटरी पर दौड़ सकती हैं रेलगाड़ियां। 1 जुलाई से अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अनलॉक 1 के मुकाबले कई ज्यादा छूट दी गई है। वहीं इसी बीच ट्रेनों के परिचालन की संभावना भी बढ़ गई है। रेलवे विभाग की माने तो 15 जोड़ी विशेष AC स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था। वहीं अब विशेष AC स्पेशल ट्रेन के अलावा पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से बिहार के लिए 23 जोड़ी और विशेष ट्रेनों के चलाने का प्रस्ताव बोर्ड के पास भेज दिया है, जिसकी जानकारी दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक सुनील कुमार ने दी है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ही परिचालन की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद लोग देश के हर कोने में आ जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने 65 साल से अधिक लोगों के लिए जारी की जरूरी अधिसूचना। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहीं इस साल का चुनाव कई सारे ऐतिहासिक पल दर्ज करेगा, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाते हुए चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग नियम भी बनाए जाएंगे। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बीते दिन बड़ा फैसला जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 प्रभावित और 65 साल से अधिक के वोटर बैलेट में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, बल्कि ऐसे मतदाता घर से ही अपना वोट डालेंगे। ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी जाएगी। बिहार में बीते दिन एक बार फिर से CPDO का हुआ तबादला। बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग ने 196 बाल विकास परियोजना
पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की है। कल्याण विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार इस सूची में उन अधिकारियों का नाम शामिल है जो 30 साल से एक ही जगह पर पोस्टेड है या फिर अपने गृह जिले में तैनात है। समाज कल्याण विभाग ने 30 जून को ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। हालांकि अब जाकर के इन CPDO का तबादला किया गया है। बीते 30 दिनों में बिहार में बिकी है 1 लाख गाड़ियां। कोविड-19 के इस माहौल में लोग सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल से कतरा रहे हैं। इसी का प्रमाण हाल ही में बीते 30 दिनों में बिहार में बिकी गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। अधिकारियों की माने तो अप्रैल महीने के मुकाबले बिहार में अनलॉक के होते ही पिछले 30 दिनों में लगभग 1 लाख गाड़ियां बिक गई हैं, जिसमें लगभग 66 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसकी पुष्टि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी की है और बताया है कि अप्रैल और मई महीने में जहां एक तरफ 14,000 वाहनों की बिक्री हुई थी, वहीं अनलॉक के लागू होने के बाद 1 लाख तक गाड़ियां बिकी हैं। बिहार में तैयार हुए 23,28,552 नए राशन कार्ड। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूचना सचिव वरुण कुमार ने बीते दिन दी है, जिसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि राशन कार्ड का वितरण सरकार के लिए महत्वपूर्ण काम में से एक है। इसलिए अब तक बिहार में गैर राशन कार्ड धारी सुयोग परिवार के लिए 23,28,552 नए राशन कार्ड बनवाए जा चुके हैं। राशन कार्ड का वितरण भी काफी तेजी से चल रहा है और अब तक 6,22,852 राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। करिश्मा रॉय के राजद में शामिल करने पर जदयू ने ली चुटकी। बीते दिन बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब तेज प्रताप यादव की पत्नी की बहन को राजद में शामिल किया गया। उसके बाद लगातार राजनीति देखने को मिली है। इसी क्रम में जदयू ने भी राजद के इस फैसले और खासकर की तेज प्रताप यादव की नाराजगी पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है, जिसके तहत जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर कहा कि आप तो किसी से डरते नहीं है, फिर पहेली क्यों बुझा रहे? क्या यह समझा जाए कि आप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के फैसले से खुश नहीं है? बिहार कांग्रेस ने शुरू की डिजिटल सदस्यता मुहिम। कोविड-19 के इस माहौल में और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता मुहिम की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम कांग्रेस ने बोले बिहार बदले सरकार रखा है। वहीं इस मुहिम के शुरुआती समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, MLC प्रेमचंद्र मिश्रा मौजूद थे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद दिखे। इतना ही नहीं, इस मौके पर बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार की जनता अब इस पावर पॉलिटिक्स वाली सरकार से उब चुकी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। साली करिश्मा के राजद में शामिल होने के बाद तेज प्रताप द्वारा किया गया ट्वीट हुआ डिलीट। बीते दिन तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में चंद्रिका रॉय की भतीजी करिश्मा रॉय को राजद में शामिल किया गया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव नाखुश नजर आए थे, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट किया था कि हमें उस परिवार के किसी भी सदस्य पर तनिक भी भरोसा नहीं है जिसने हमारी जिंदगी खराब की है। हालांकि थोड़े समय बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और एक नया ट्वीट जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि हमारे गौरवशाली बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बनाने वाली 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज निरंकुश NDA सरकार को उखाड़ फेंकने में भाई तेजस्वी की हर मुहिम और फैसले के साथ हूं। डिजिटल इंडिया के तहत कोविड-19 के इस माहौल में हुआ सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन। कोविड-19 के इस माहौल में डिजिटल इंडिया की भूमिका बढ़ चढ़ कर देखने को मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जून महीने में UPI के जरिए 2.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसके बाद जून महीने में लेन देन की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी पुष्टि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार की गई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2020 के 1.23 अरब लेन देन के मुकाबले जून में 8.94% की वृद्धि हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यशराज फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर और संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही सवालों के घेरे में आ गया है। इसी क्रम में अब मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए यशराज फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से पूछताछ करने का फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने इसको लेकर समन भी भेज दिया है। यही नहीं, पुलिस ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के जान गंवाने के बाद शेखर कपूर, कंगना रनौत का भी बयान दर्ज किया है। पीयूष चावला ने बताया महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर में से कौन है बेहतर कप्तान। भारतीय टीम के खिलाड़ी पीयूष चावला ने बीते दिन एक मीडिया हाउस से लाइव चैट के दौरान गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतर कप्तान कौन है उनका नाम बताया है, जिसके तहत उन्होंने दोनों कप्तान में से चुनने से पहले दोनों कप्तान की प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि माही भाई ज्यादा बेहतर कप्तान है। आप इन दोनों कप्तानों की तुलना खैर नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो खेल को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है। कभी कभी गौतम भाई खेल को अच्छी तरीके से संभालते थे तो कभी महेंद्र सिंह धोनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा नजर आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, पूजा कुमारी, अजय कुमार, शाह अशोक रंजन, अमर बिहारी, सोनू कुमार, गौतम कुमार, विक्रम यादव, जीवन कुमार, मिस्टर दिलीप कुमार, शाह आनंद कुमार चौधरी,
दिव्यांशु कुमारी, रंगबाज राणा, ऑफिशियल जलंधर कुमार, नेहा झा, कुमार राजेश। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की अब तक की ऐसी कौन सी अभिनेत्री रही है जिन्होंने बिहार का नाम सबसे ज्यादा रोशन किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।